दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मेरे छोटे से ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है, सुजाता सिंह ब्लॉग। जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिए। मैं और भी आगे नए नए वीडियो लाते रहूँगी। और मैं अभी वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ दोपहर के समय से, क्योंकि सुबह से टाइम नहीं मिला है, काम में आना रहता है इसीलिए। तो अभी लंच करके मैं बाहर में टहल रही हूँ यहाँ पे, उसके बाद मैं फिर अंदर चली जाऊँगी। कि हम लोग का मोबाइल अलाउ नहीं है इसलिए हम ब्लॉग नहीं बना पाते हैं। पर मैं आ गई हूँ घर, और घर आके देखिए मैं गाजर का हलवा बनाने जा रही हूँ। आपको बैक कैमरे देखिए, ये गाजर है। इतना टाइम नहीं है मेरे पास इसीलिए मैंने ऐसे कट कर लिया है। कट करके उसके बाद मिक्सर ग्राइंडर में मेरे हस्बैंड ये क्या कर रहे हैं, ये गार्निश कर देंगे। इसके बाद हम मैं जाऊंगी बनाने। ये देखिए कंप्लीट कर लेती हूँ और कंप्लीट करके फिर जाऊंगी किचन में, फिर आपको बताऊंगी। इसमें सूजी डाल दी हूँ, आप देख सकते हैं सूजी डाल के फिर उसके बाद में बनाऊंगी इसको। आपको बताऊंगी सूजी मैंने किस लिए डाला है। मैंने सूजी को यहाँ पर निकाल लिया है, जो सूजी भूगे थे लाल हो जाने के बाद। उसके बाद ऑलरेडी यहाँ पर हमने घी ले लिया है। घी लेने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी सी जीरे डालेंगे, भुजा हुआ हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो ग्राइंड किए हैं वो वाले इसमें डाल देंगे, डाल के उसके बाद में मैंने फिर बनाएंगे। मैं इसे फ्राई कर रही हूँ और यहाँ पर बन रहा है रोटी। मेरी बेटी रोटी बना दे रही है और मेरी हेल्प कर रही है, और मैं यहाँ पर गाजर का हलवा बना दे रही हूँ, क्योंकि इसके फ्रेंड को खाने का मन है और इसको भी बहुत पसंद है इसलिए। और देखते हैं कितना समय लगता है इसको बनाने में। अभी तो ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है, क्योंकि आने में मेरे को लेट हो चुका था। मैं ऑलरेडी इसको भून चुकी हूँ और इसमें डाल देंगे और चीनी, चीनी डाल के उसके बाद में इसको फ्राई करेंगे। आप अपने जैसा मीठा खाते हैं उस हिसाब का इसको डाल सकते हैं। ये हो गया है, चीनी इसमें पिघल गया है और इसको फ्राई हो गया है। अब इसमें डालूंगी मैं दूध। राइस में दूध डाल के और इसको मैं पूरा, जब तक पूरा जलेगा पूरा इसमें मैं जला दूंगी। मैं इसमें अब डाल दी हूँ दूध, दूध जलेगा तब तक इसको मैं चलाती रहूँगी ताकि ये नीचे लगे ना। ये लगना नहीं चाहिए, बस इसको जलाना है पर इसमें लगना नहीं चाहिए। और मैं जब ये हो जाएगा तो मैं पूरा कम्प्लीट आपको दिखाऊँगी। अब जिसको जिसको नहीं पता है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, बोलिएगा, हम इसका पूरा रेसिपी आपको बताएंगे। सबसे पहले जो दूध था पूरा इसमें जल गया है, और जो सूजी बचा, जो सूजी हमने फ्राई करके रखे थे वो भी इसमें डाल लिए ताकि दूध जल्दी से मतलब सोख ले। और उसके बाद इसमें मैं डालूँगी यहाँ पर काजू और आलमंड रखे हैं, इसको डाल दूँगी गार्निश के लिए। पूरा ये पूरा जल जाएगा, पूरा फ्राई कर ले रही हूँ ताकि इससे और भी इसका स्वाद बढ़ जाएगा। रेडी मेरा यहाँ पर गाजर का हलवा बन चुका है, और देख देखिए। और आप लोग भी ये रेसिपी को ट्राई करिएगा और बताइएगा कैसा बना है। रेडी मेरी गाजर का हलवा बन चुकी है और मैं इसे अब टेस्ट करके देखूंगी कैसा बना हुआ है। पता नहीं कैसा बना हुआ है, देखते हैं। और मेरा ये वीडियो बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट, और सब्सक्राइब करना नए हो तो सब्सक्राइब करना। ओके।